हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का लंदन शहर में 2000 रिहायशी यूनिट बनाने का ऐलान। ट्रूडो का कहना है कि लंदन हाउसिंग एक्सर फंड के तहत मुआहदा करने वाला पहला शहर है। शहर में 3 सालों में 2000 नए घर बनाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली ऑन्टेरियो सूबे के बहुत ज्यादा खतरात का सबब बन सकती है। सूबाई हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक खुराक और पैदावार के शोबे ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। कैनेडियन हुकूमत और खैराती इदारे मराकेश में जलजला जदगान की इमदाद के लिए मुतहरिक। हुकूमत का कैनेडियन रेड क्रॉस को $3 मिलियन तक फंड देने का ऐलान। इमदादी कारकुनों का कहना है कि मराकेश के लोगों के लिए खाने पीने के अलावा और भी बहुत से काम करना होंगे। रूसी सदर ने किम जोंग उन की शुमाली कोरिया के दौरे की दावत कबूल कर ली। किम जोंग उन का कहना था कि रूसी सदर प्यूतन के तमाम फैसलों की हिमायत करते हैं। रूस अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए जंग में उतरा है। लीबिया का शहर लाशों से भर गया, गिनती मुश्किल हो गई, 20,000 अमवात का खदशा। लीबिया के शुमाली साहिली शहर दरंता के गली कूचे लाशों से भर गए। हुकाम का कहना है कि लगभग 10,000 अफराद लापता हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada ke Wazir Azam Justin Trudeau ne elan kiya hai ki London Canada ke sube Ontario ka pehla shahar hai jisne housing access fund ke tahat अपनी हुकूमत के साथ मुआहदा किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि लंदन कनाडा के सूबे ऑन्टेरियो का पहला शहर है जिसने हाउसिंग एक्सर फंड के तहत अपनी हुकूमत के साथ मुआहदा किया है। उनका कहना है कि इस मुआहदे से शहर में 3 सालों में 2000 नए घर बनाए जाएंगे। लंदन के साथ ये तारीखी मुआहदा बहुत से लोगों में पहला होगा और हम तमाम हुकूमती अहकाम के साथ मिलकर काम करने के मुंतजर हैं ताकि एक जगह तलाश की जा सके। लंदन के मेयर जोश मॉर्गन ने कहा कि जब हाउसिंग यूनिट बनाने की बात की गई तो बाकी मुल्क के लिए एक मिसाल कायम करना चाहते थे। ये लंदन की तारीख में रिहाइश और रिहाइश के बुनियादी ढांचे के लिए सरमायाकारी है। मॉर्गन ने मुआहदे पर काम करने पर अपने अमल और कौंसल का शुक्रिया अदा किया। मॉर्गन ने मजीद कहा 2000 मकाना 3 सालों में फंड्स बनाने में मदद करेंगे, जिससे आने वाले सालों में हजारों इजाफी रिहायशी यूनिट्स की तामीर में भी मदद मिलेगी। हाउसिंग एक्सेलरेटर फंड का सबसे पहले 2021 के इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐलान किया गया था और इसे 2022 के विफाकी बजट में शहरों में मजीद घरेलू तामीरात के लिए 4 बिलियन की सरमायाकारी के साथ मुतारिफ कराया था। वजीर आजम के दफ्तर से एक बयान में कहा गया है कि लंदन के साथ मुआहदा शहर को $1 मिलियन की माली इमदाद फराहम करेगा जो रिजिद पसंदी की जरूरत के बगैर कसाफत की आला तरीन पेशरफ को मंजूर कर सकता है। बयान में कहा गया है कि इस रकम से शहर को मदद मिलेगी। लिबरल हुकूमत का कहना है कि हाउसिंग एक्सेलरेटर फंड का मकसद मुल्क भर में मजीद 1 लाख रिहायशी यूनिट्स बनाना है जो जमीन के इस्तेमाल की मनसूबाबंदी और तरक्की के लिए फाइनेंसिंग के बगैर बनाए गए हैं। मुआहदे के ऐलान के बाद ट्रूडो ने मुल्क भर के मेयर्स को एक चैलेंज जारी किया कि वो अपनी तजावीज़ के साथ आगे बढ़ें ताकि हम मजीद घर बना सकें, सप्लाई बढ़ा सकें और ख़ानदानों की मुश्किल को कम कर सकें। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड की हुकूमत की जानिब से जारी करदा एक नई रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि मौसमियाती तब्दीली
ऑन्टेरियो के लिए बहुत ज़्यादा खतरात का बाइस है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड की हुकूमत की जानिब से जारी करदा एक नई रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि मौसमियाती तब्दीली ऑन्टेरियो के लिए बहुत ज़्यादा खतरात का बाइस है, जिसके असरात खुराक की पैदावार से लेकर बुनियादी ढांचे तक, कारोबार तक, हर चीज़ पर पड़ते हैं। रिपोर्ट, जिसे प्रोविंशियल क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट असेसमेंट कहा जाता है, ऑन्टेरियो में शदीद गर्मी के साथ साथ सैलाब और जंगल में लगने वाली आग में इजाफे के साथ मनसूबा बनाती है। जनवरी में हुकूमत को पेश की गई, लेकिन सिर्फ अगस्त के आखिर में आवामी तौर पर पोस्ट की गई। हुकूमत ने रिपोर्ट के बारे में कोई खबर जारी नहीं की। ये एक ऐसे मौसम गर्मा के बाद है जहाँ ऑन्टेरियो को बाज़ औक़ात शदीद गर्मी, शदीद बारिश के तूफान और जंगल की आग की बेमिसाल धुएं का सामना करना पड़ता है। माहिरीन का कहना है कि ये रिपोर्ट आज तक सबसे बेहतरीन काम करती है जो मौसमियाती तब्दीलियों और इंतहाई मौसम के असरात को बयान करती है। इसके 530 सफात सूबे में मौसमियाती तब्दीलियों के मुतवक्के असरात के बारे में अक्सर संगीन तफसीलात से भरे हुए हैं, जिनमें बताया गया है कि ज़रई शोबे को कम होती पैदावारी सलाहियत, फसल की नाकामी और मवेशियों की अमवात के खतरात का सामना है। ज़्यादातर ऑन्टेरियो के कारोबारों को मौसमियाती तब्दीली की वजह से बढ़ते हुए खतरात का सामना करना पड़ेगा। आबोहवा के खतरात ऑन्टेरियो की सबसे ज़्यादा कमज़ोर आबादियों में सबसे ज़्यादा हैं और मौजूदा तफावत और अदम मसावात को बढ़ाते रहेंगे। सिडबरी में कायम क्लाइमेट रिस्क इंस्टीट्यूट के महक्कीन की एक टीम ने रिपोर्ट तैयार की, जिसे हुकूमत ने 2020 में शुरू किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑन्टेरियो की आबोहवा में तब्दीलियां बेमिसाल शरहों पर जारी रहने की तवक्को है। ये जानना ज़रूरी है कि इन नतायज को सूबे में रिहायशियों, माहौलियाती निज़ामों, कारोबारों और कम्युनिटीज़ के तहफ़ के लिए कार्रवाई की हौसला अफजाई के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट में वो तरीके बताए गए हैं जिनसे महक्कीन की तवक्को है कि मौसमियाती तब्दीली ऑन्टेरियो के हर इलाके को 5 वसी मौजूआत के साथ मुतासर करेगी: बुनियादी ढांचा, खुराक और ज़रात, लोग और कम्युनिटीज़, कुदरती वसाइल, माहौलियाती निज़ाम और माहौल, कारोबार और मईशत। कैनेडा के वफाकी और सूबाई हुकूमतें, खैराती इदारे और मराकशी कैनेडियन शुमाली अफ्रीकी मुल्क की मदद के लिए मुतहरिक हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडा की हुकूमतें, खैराती इदारे और शहरी जलजले से मुतासरा मराकश के लिए इमदाद भेज रहे हैं। कैनेडा की वफाकी और सूबाई हुकूमतें, खैराती इदारे और मराकशी कैनेडियन शुमाली अफ्रीकी मुल्क की मदद के लिए मुतहरिक हो रहे हैं, जहाँ गुज़िश्ता जुमे को मराकश शहर के जुनूब में आने वाले जलजले के बाद 2900 से ज़्यादा हलाकतें और कई हज़ार के ज़ख्मी होने की इत्तला है। वफाकी बैनुल अक्वामी तरक्की के वज़ीर अहमद हुसैन ने कहा कि हुकूमत अगले 2 हफ्तों के दौरान कैनेडियन रेड क्रॉस के जलजला रिलीफ फंड में $3 मिलियन तक के एहतियात करेगी। ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा के मुताबिक ये रकम बैनुल अक्वामी रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट को ज़िंदगी बचाने वाली अशिया जैसे खुराक, पानी, नकद रकम और वाउचर्स की तकसीम के साथ साथ सफाई और सेहत के खदमात फराहम करने में मदद करेगी। मजीद $2 मिलियन के वफाकी इमदाद फौरी ज़रूरियात के लिए दी जाएगी। क्यूबैक हुकूमत ने मराकश में काम करने वाली तंजीमों के लिए $1.5 मिलियन देने का वादा किया है, जबकि कई बड़े खैराती इदारों ने फंडिंग मुहिम शुरू की है। कम्युनिकेशंस एंड गवर्नमेंट रिलेशंस मैनेजर मेलिंडा गैलो का कहना है कि इस्लामिक रिलीफ कैनेडा ने फंड रेजिंग के पहले घंटे में तकरीबन $40,000 जमा किए। इमदादी कारकुनों ने कहा कि मुख्तलिफ तंजीमें साथ मिलकर ज़मीनी ज़रूरियात जैसे खैमे, अद्वियात और खुराक का जायज़ा ले रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि तंजीम तवील मुद्दती तामीर नौ के बारे में भी सोचना शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि हम नहीं इन्हें खाना और हर वो चीज़ दें जिसकी इन्हें फौरी ज़रूरत हो और इन्हें छोड़ कर वहाँ से चले जाएँ। ज़्यादातर कमज़ोर देहात बराह रास्त पहाड़ों के किनारे तामीर किए गए हैं, जिनमें मिट्टी और ईंटों के घर हैं जो सफाई हस्ती से मिट चुके हैं। इमदादी कारकुनों के मुताबिक कलील मुद्दत में मराकशी बाशिंदों को खुराक, खैमों और हिफ्जाने सेहत से मुतालिक मसनूआत की ज़रूरत है, जबकि तवील मुद्दत में इन्हें अपने घरों, सड़कों और बुनियादी ढांचे की तामीर नौ की ज़रूरत होगी। मादी ज़रूरियात के बावजूद उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जिनसे वो मिले थे वो भी जज्बाती सहारे की तलाश में थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की जानिब से दी गई दौरे की दावत कबूल कर ली। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की जानिब से दी गई दौरे की दावत कबूल कर ली।
शुमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग उनका कहना था कि रूसी सदर प्यूतन के तमाम फैसलों की हिमायत करते हैं। रूस अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए जंग में उतरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर प्यूतन ने शुमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग उनकी दावत कबूल करते हुए दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात की तारीख को आगे बढ़ाने के अज़म का अदा किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग उनकी रूस के सदर व्लादिमीर प्यूतन से मुलाकात रूसी स्पेस सेंटर में हुई और रूसी सदर ने शुमाली कोरिया के सरबराह को स्पेस सेंटर का दौरा करवाया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के बाद किम जोंग उन ने रूसी सदर को शुमाली कोरिया के दौरे की दावत दी थी। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने रूसी सदर से मुलाकात में दिफा और टेक्नोलॉजी ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया ने एक मरतबा फिर अमरीका की टेंशन में इजाफा कर दिया। किम जोंग उन इस वक्त रूस के दौरे पर हैं। ऐसे में शुमाली कोरिया से बैलिस्टिक मिजाइल फायर किया गया है, जिससे एक बार फिर जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। शुमाली कोरिया की जानिब से ये बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे मौके पर फायर किया गया जब उसके रहनुमा किम जोंग उन रूस में मौजूद हैं और वहां सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ कई मामलों पर बातचीत में मसरूफ हैं। उनमें असलहे की फरोख का एजेंडा सरे फहरिस्त बताया जाता है। लीबिया के शुमाली साहिली शहर दरंता के गली कूचे लाशों से भर गए हैं। हर तरफ बच्चों, बड़ों और खवातीन की लाशें नजर आ रही हैं। मुर्दा खाने भी भरे पड़े हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। लीबिया के शुमाली साहिली शहर दरंता के गली कूचे लाशों से भर गए। हर तरफ बच्चे, बड़ों और खवातीन की लाशें नजर आ रही हैं। मुर्दा खाने भी भरे पड़े हैं। मकामी हुकाम ने अफसोसनाक खबर दी है कि सैलाब में मरने वालों की तादाद बुध की सुबह 600,000 से बढ़ गई है। हुकाम का कहना है कि लगभग 10,000 अफराद लापता हैं, जो मुमकिन तौर पर या तो समंदर में बह गए हैं या घरों के मलबे तले दबे हुए हैं। मेयर दरंता ने वबा फूट पड़ने का खदशा जाहिर करते हुए बैन अल-अक़वामी इमदादी इदारों से लाशों की तदफीन के लिए बैग फराहम करने की अपील भी कर दी है। तुर्किया, जर्मनी और दीगर ममालिक की जानिब से मुतासिरीन के लिए इमदाद पहुँचा दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दरंता के मेयर अब्दुल अल मनम अल गीसी ने अल अरबिया टेलीविजन को बताया कि सैलाब से तबाह होने वाले अजला की तादाद की बुनियाद पर शहर में हलाकतों की तादाद 18,000 से 20,000 के दरमियान हो सकती है। तराबलस में यूनिटी गवर्नमेंट की वजारत सेहत के अंडर सेक्रेटरी सादुद्दीन अब्दुल वकील ने बताया कि बुध की सुबह मरने वालों की तादाद 6,000 से तजावुज कर गई। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के कंट्री डायरेक्टर अली अबू ओन का कहना था कि टूटी हुई सड़कें, नाकाम मवासलाती नेटवर्क, बरसों की खाना जंगी की तबाहकारियों और मौसमियाती तब्दीली के असरात ने लीबिया को दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरानों में से एक बनाने में अहम किरदार अदा किया है। वाज़ेह रहे कि बहीरा रोम का तूफान डैनियल इतवार को मशरकी लीबिया के कई कस्बों में मौलिक सैलाब का बाइस बना, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर शहर दरंता था, जिसके ऊपर पहाड़ों में दो डैम टूट गए, जिसका पानी सैलाब के साथ मिलकर नीचे वाके वादी दरंता के एक चौथाई हिस्से को बहाकर ले गया। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Precise and effective.